नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। खबर भदोही जिले से है, जहां एसडीएम ने लेखपालों के ऊपर पेंडिंग काम को पूरा करने का प्रेशर दिया तो दर्जनों महिला व पुरुष लेखपालों ने नवागत एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कार्य बहिष्कार कर दिया और बड़े अधिकारियों से हटाने की मांग की है। पूरा मामला ज्ञानपुर तहसील का है, जहां ज्ञानपुर एसडीएम चंद्रशेखर के खिलाफ आज दर्जनों लेखपालों ने जमकर नारेबाजी की और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ महिला लेखपालों के साथ दुर्व्यवहार करने की बात कह रही हैं और कहा कि हम लोगों से जबरिया काम कराया जा रहा है। चार दिन मीटिंग बैठक में चला जाता है तो बाकी बचे दिन में पूरे महीने का काम करने का प्रेशर देते हैं। ऐसे काम कैसे हो सकता है? सूबे के मुखिया कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, बावजूद इसके यहाँ उलट ही हो रहा है। मानवता नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन यहाँ अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। लेखपालों का कहना है कि जब तक मौजूदा एसडीएम को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक कार्य बहिष्कार रहेगा। वहीं इस बाबत ज्ञानपुर एसडीएम चंद्रशेखर का कहना है कि अभी हाल फिलहाल मैंने यहाँ चार्ज लिया है और ऑफिस सहित सरकारी सैकड़ों काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, खासकर किसानों के काम भी कागजों में धूल फांक रहे हैं, जिस कारण मैंने शासन की प्राथमिकता को देखते हुए काम करने की बात कह रहा हूं, तो उल्टे आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस बाबत ज्ञानपुर एसडीएम चंद्रशेखर का कहना है कि अभी हाल फिलहाल मैंने यहाँ चार्ज लिया है और ऑफिस सहित सरकारी सैकड़ों काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, खासकर किसानों के काम भी कागजों में धूल फांक रहे हैं, जिस कारण मैंने शासन की प्राथमिकता को देखते हुए काम करने की बात कह रहा हूं, तो उल्टे आरोप लगा रहे हैं जो निराधार हैं। काम नहीं तो नौकरी भी नहीं, छोटे मोटे किसान लेखपालों के यहाँ चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, बावजूद इसके इनके कान में जू तक नहीं रेंगती। यही हाल रहा तो इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई भी करूंगा। हमें शासन प्रशासन को ऊपर भी जवाब देना होता है। कार्रवाई कर रहा हूं तो बस उसी से खिन्न हो गई कर रहे हैं। जो काम का कार्य नहीं करेंगे, किसान परेशान होगा, आम जनता परेशान होगी, तो अधिकारी को तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। किसी शिकायत लेके हमारे पास आते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब कि इतने नीसा है, बेसारा टाइप के होते हैं कि उनके भी काम इतने दिन छः छः महीने तक ये पेंडिंग में रखते हैं। धान खरीद सत्यापन है, इतना सारा हजारों में धान खरीद सत्यापन पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तहसील पे किसान लोग चक्कर काट रहे हैं, ना तो ये किसान का धान सत्यापन कर रहे हैं, ना किसान से बात कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसी स्वामित्व योजना सरकार की प्राथमिकता पर है, सर्वोच्च प्राथमिकता पर इस समय स्वामित्व योजना है। अब 25 दिसंबर तक कंप्लीट करना है, अभी भी एक तिहाई भी कंप्लीट काम नहीं किया गया है इनके द्वारा। बस गांव की एक एक दो दो एंट्री फीड कर दी है, लेकिन इतने बड़े बड़े गांव हैं, हर गांव में लगभग 1000 एंट्री निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और जी हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।